अब जो कंपनीज हैं हमारे ऐसी कंपनी जैसे अभी हम अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो वी आर वर्किंग इन टू वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन सो वी वी प्रोवाइड ए ठीक है तो हमें उसके लिए हमें अपर, हमारा वे आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हमें लोग चाहिए होते हैं ठीक है अब हम ये नहीं देखते हैं कि यू आर बी टेक हमें ये नहीं देखते हैं कि आप क्या कहते हैं एन हो या नहीं हो प्रेजेंटली मैटर आप बारहवीं पास हो आपके पास अगर वो स्किल है जो हमें चाहिए वी आर रेडी टू हायर तो मैं वही पूछना चाहूँ कि एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है वही में आप बी सी स्टूडेंट है या बी टे स्टूडेंट है वो तो पढ़ते पढ़ते कौन सी ऐसी स्किल्स ले ले कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स कर ले कि उसको पढ़ते पढ़ते काम मिल जाए किसी कंपनी में छोटा सा प्रोजेक्ट मिल जाए कोई छोटा सा ऐप डेवलपमेंट मिल जाए या ये काम मिल जाए वो काम मिल गया देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि थ्योरेटिकल नॉलेज है हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत कमी है तो मेरा मानना यह है कि ट्वेल्थ के बाद आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं करते रहिए है। लेकिन अगर हो सके तो किसी कंपनी के अंदर चाहे फ्री में करना पड़े आप काम कीजिए किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम कीजिए तो वही आपको आगे जॉब दिलाएगा, तो, दिलाएगा। तो कोई भी कंपनी किसी भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एंट्री दे देती है काम सीखने के लिए दे देती है Right. डिपेंड करता है, अच्छा है कि आप इन्फोसिस बड़ी जाएं। शायद उनके वो ना right. मल्टीपल क्योंकि वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप ठीक है तो इतने स्टार्टअप्स हैं अगर आप उनके पास जाएंगे उनको आप अप्रोच करेंगे hmm. तो वो दे देंगे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनके लिए क्या है कि आपको एक सस्ता रिसोर्स मिल रहा है और आपके लिए क्या है कि आपको बड़ी कंपनी में बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का एक्सपीरियंस मिल रहा है, विच इज वेरी 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 तो उसके तो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट right. हाँ, तो लिए course, मेरा मानना है कि जैसे अगर आप बीटेक कर रहे हैं बी स कर रहे हैं एमसी कर रहे हैं तो से बेसिक चीजें स्टार्ट होती हैं जैसे कि मतलब आप किसी लैंग्वेज को आप सीखना शुरू करते हैं ठीक है या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखना शुरू करते हैं बेसिक लेवल पर फ्लो क्या है आप टेस्टिंग वाला कंसेप्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि अगेन

ठीक है लेकिन एटलीस्ट आप पाइथन के साथ पी के साथ अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं तो बेसिक हो गया एक लैंग्वेज प्लस लॉजिक बिल्डिंग कैपेसिटी हाँ ये दो चीज अगर हमारे पास है तो किसी भी कंपनी में अंडर ग्रेजुएट लेवल हम एंटर कर सकते हैं उसके लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इजीली एंटर कर सकते हैं मेरा मानना है कि अगर आपको फाइव डेज आपको कॉलेज जाना भी पड़ता है तो आप सैटरडे संडे वहाँ काम कर लीजिए सैटरडे काम कर लीजिए दो घंटे शाम को काम कर लीजिए फ्री कर लीजिए घर में बैठ के काम कर लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आप तरीका ढूंढिए बस कि कैसे मैं इस कंपनी में चला और मुझे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मिल जाए वही मैं बात कर रहा था फ्री का सपोज कोई वो प्रोजेक्ट लेना चाहता है वो अपने आप को कैपेबल समझता है कि मैं इस छोटी सी प्रॉब्लम को सोल्व कर लूंगा एंड ही एज दैट सॉफ्टवेयर वो अपने पास लैपटॉप में वगैरह तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिन पर जाकर वो सर्च कर सके फ्री लांसिंग का ये प्रोजेक्ट है इतने डॉलर्स का फ्री लांसिंग का ये प्रोजेक्ट है इतने डॉलर्स का कुछ साइट्स हैं हैं इस तरह की बहुत सारी साइट्स अपवर्क है आई थिंक द बेस्ट मोस्ट फेमस अपवर्क Upwork. Uh, Upwork.com. Upwork. Upwork Upwork.com. Mm -hmm. मतलब ये सबसे फेमस साइट है आई थिंक वर्ल्ड वाइड और भी बहुत सारी है mm -hmm. लेकिन आई थिंक अपवर्क इज वेरी गुड इन दैट टर्म आप उस पर अर्न कर सकते हैं, कर सकते हैं। इवन मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मुझे याद है कि कि मैं जब बीटेक कर रहा था तो मैंने भी एक ठीक ठाक अमाउंट उस टाइम पे कमाया थार्ड ऑफ इन थर्ड ईयर फाइव आई थिंग का स्टार्टिंग था थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में था थर्ड इयर में था ऑलमोस्ट मैं तो तब हमने फ्रीलेंसिंग के प्रोजेक्ट वहां से उठाए थे इजिली मिलते थे उस टाइम पर आजकल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा लोग गए बट अगर आप स्किलफुल है एक्चुअली क्या था फिलेंसिंग वेबसाइट पे भी आपको आ, आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ता है करना पड़ता वैल्यू बनानी पड़ती है राइट तो फिर आपको पॉइंट्स होंगे स्कोर होगा स्कोर होगा पॉइंट्स मिलते हैं क्या होता है आपको अच्छे प्रोजेक्ट हो सकता है फिर आप, आप अगर आज पांच डॉलर ले रहे हैं पर आर का तो आपको उसी के लिए पच्चीस डॉलर में मिल जाएंगे पचास डॉलर अगर आपकी ट्रेडि, ट्रेडि, बढ़ती आपकी वैल्यू बढ़ती बढ़ती है पे भी में लेकिन राइट 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 तो मैंने जो तो पहले आपको आंसर दिया कि पहले आपको काम करना चाहिए कंपनी में दैट करपेक्टिव आपको अगर आप करियर अच्छा बनाना है लेकिन आपको आज ही अर्न करना है तो आप फ्रेंसिंग कर सकते हैं इवन जैसे मैं बताया कंपनी के अंदर भी आप पेड प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो एक तरीका और है जो हम करते हैं हम क्या करते हैं कि हमारे पास ए uh, स्टार्टअप हमारे पास अपने कुछ लोग होते हैं ठीक mm. उसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती है जिसके लिए हम परमानेंट हायर नहीं कर सकते mm. तो वी गो फॉर पीपल आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट पे आउटसोर्स okay. तो आउटसोर्स तो करते हैं लॉन्ग टर्म आउटसोर्स करते हैं छ महीने के लिए एक एक साल के आउटसोर्स करते हैं हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट है mm. तो जो बीटेक कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं एंड एंड दे आर बिल्डिंग एप्स फॉर गेटिंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी ओके सो दैट इज वन बेसिकली है कि इफ यू हैव अ विश गो एंड सर्च आउट

राइट right. देखिए मैं एक प्योर टैकी बंदा रहा hmm. सोलह साल जितना ही मैंने काम किया hmm. आ, मुझे लगता था इतने सारी इंडस्ट्री में रहा मुझे लगता है कि आईटी इंडस्ट्री में हर तीसरे डेस्क पे बंदा यही बात कर रहा होता है कि मैं अपना एक स्टार्टअप चालू करूंगा पर हो नहीं पाता तो आइडिया इज गुड थिंग आइडिया इज इम्पोर्टेंट ऑफकोर्स आइडिया इज इम्पोर्टेंट बट आइडिया इज वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज आउट ऑफ जो मैंने फील किया तो मैं जब आया था तो आई स्टार्ट आसान सर्विस से पहले ही मैंने कुछ वेंचर स्टार्ट किए थे एक दो विर्क हाउ फॉर एग्जाम्पल क्लैप के बेसिस पे आई स्टार्ट फिंगर स्नै आई स्टार्ट टास्क विच इज अ पोर्टर नाउ टास्क पोटर टास्क ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट एनीथिंग सर्विस की पोर्टर है आज की डेट में hmm. पर है, ऐसा नहीं होता है तो देन आई केम डू की जो मुझे आता था मेरी hmm. अपनी मशीन सॉफ्टवेयर में आई स्टार्ट एंड फर्स्ट टू थ्री इस वी स्ट्रगल क्योंकि आई वॉज थिंकिंग्राम अ टेकनेस इज नॉट टेक्निकल बिजनेस इज बिजनेस आपको बिजनेस परसपेक्टिव से सोचना है कि बिजनेस कैसे आएगा कि लोग आपसे जुड़ेंगे कैसे आपको काम कैसे मिलेगा तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं सोचता था यार सेल्समैन नहीं बनूंगा बनेंगा पता नहीं भागना पड़ेगा दौड़ना पड़ेगा किसी बंदे से लोगों के पास जाना पड़ेगा बातें करनी पड़ेगी मीटिंग्स करनी पड़ेगी तो मुझे अजीब सा साहब लगता था, था टेक्निकल साइड में मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अगर मुझे पहले से कोई बताता कि बिजनेसैन बनना है तो मैं फर्स्ट डे सेल्स मैन बनने की कोशिश करता बिजनेस इज ऑल अबाउट सेलिंग 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 योर प्रोडक्ट सेलिंग योर सर्विस तो अगर आप सेलिंग में गुड है hmm. तो यू आर वेरी गुड यू कैन बिजनेसम क्योंकि बनाने के लिए आप लोग मिल जाएंगे पैसे तो कोई भी बना देगा कुछ भी बना देगा चेट hmm. जीपीटी बना लो कुछ भी बना लो बट हाउ टू सेल योर से हाँ आप सेल कैसे कर पाते हैं hmm. वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आप ही सेल कर पाओगे और कोई दूसरा सेल नहीं कर पाएगा यू आर द मेन वन राइट अगर आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे तभी तो आप उसको कहेंगे कि फॉलो करके सेल करो और बात ये आपके आइडिया लोग कहते हैं आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट आई अंडरस्टैंड बट आइडिया तो कॉपी किया जा सकता है आप देखेंगे

Man. And I think audience has got all the answer and all the confusion has been rigged. Thank you. Thank you so much. So this was all the stuff related to a perfect career into IT industry. If you still have more doubt or any query, you can comment on to this video or you can directly reach me at my Insta profile. And don't forget to like and share this video and subscribe to the channel for more such videos. This is Mohit Bansal signing out. Thank you so much.